एबीपीएस न्यूज। एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद हाथरस के ब्लॉक हसायन में स्थित कोडरा जहांगीरपुर गांव पहुंचा। इस गांव की दूरी ब्लॉक से 21 किलोमीटर तो वहीं जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर है। लगभग 1455 की आबादी व 816 वोटरों द्वारा बबलीवानों को अपना ग्राम प्रधान चुनकर गांव के विकास जिम्मेदारी सौंपी है। वर्तमान समय में गांव में लगभग 206 राशन कार्ड धारक हैं। गांव में शिक्षा के स्तर की बात करें तो प्राइमरी पाठशाला में लगभग 99 बच्चे शिक्षा ग्रहण करने आ रहे हैं। गांव में विकास कार्यों की बात करें तो पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10 हैंडपंप लगे हुए हैं। वर्तमान प्रधान द्वारा 3 हैंडपंपों को भी रिबोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 40 विद्युत पोल, 1 विद्युत ट्रांसफार्मर व 13 सोलर लाइट भी लगी हुई है। वर्तमान प्रधान द्वारा गाँव में 4 सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, पानी निकासी के लिए नाली, पुलिया व चक्रोड का निर्माण कराया गया है तथा वर्तमान प्रधान की देखरेख में स्वच्छ भारत मिशन के तहत 180 इज्जत घर व 1 लोहिया आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने गांव में पानी निकासी के लिए नाला, सीसी टाइल्स रोड, खडंजे, स्वास्थ्य केंद्र, पशु चिकित्सालय, बारात घर, जूनियर हाई स्कूल, कब्रिस्तान की बाउंड्री, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 25 आवास व स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। ग्राम प्रधान श्रीमती बोली बालों के पति निजाम अहमद, ग्राम पंचायत कोंडरा जहांगीरपुर, विकास क्षेत्र हसायन, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से अखिल भारतीय प्रधान संगठन को हिसाब से संदेश देना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से गांव में विकास की प्रक्रिया स्वच्छता वगैरह होना चाहिए वो फिलहाल में अमली और जामा पर नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन सरकार भी अथक प्रयास कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। गांव के लोग थोड़े से इस आशय पे कि ये आ जाते हैं कि नहीं तो प्रधान जी कराएंगे, लेकिन फिर भी सहयोग बहुत है गांव वालों का। बहुत अच्छे अच्छे काम हुए जो 20 साल से नहीं हुआ था, वो फिलहाल में 2 साल में ही हो गया है। 2 वर्ष में ही हमने सब सहयोग से, सरकार के सहयोग से मिला PWD के माध्यम से 220 मीटर की CC रोड बिछवाई है और इंटरलॉकिंग की 4 सड़कें बनवाई हैं गांव में, नाली खरंजाई बनवाई, जल निकासी का प्रबंध सही किया और सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं खुले में शौच मुक्ति, शौचालय बनवाने का कार्य, उस पर भी हमने खूब अच्छी तरह से मेहनत लगा के काम किया तो उसका आर पे मंजिल पे भी पहुँच गए कि गाँव शौच मुक्त हो गया। और आगे सरकार से अपेक्षा करते हैं कि हमारे गांव में एक सबसे बड़ी कमी ये है कि गांव का बंदोबस्त शुरू से नहीं हुआ है। अगर चकबंदी हो जाती है तो बहुत सी सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, छोटा अस्पताल, पशु का अस्पताल और खेल के मैदान वगैरह, जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है वो भी मिल जाए, सबके लिए जगह पर्याप्त हो जाएगी, आंगनबाड़ी सेंटर भी मिल जाए, तो इसके लिए मांग भी कर रहे हैं संगठन के माध्यम से। अगर हमारा डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है तो इसी माध्यम से गाँव को सुविधाएँ सुख मिले और हम तो हमेशा ये चाहते हैं गांव में सुख संपन्नति रहे, हम साथ साथ हमारे देश में भी रहे, प्रदेश में भी रहे और गांव एक बराबर में जिसको हम रास्ता आती है सिकंदराव तहसील मुख्यालय से तो रास्ते में एक पुल पड़ता है राजबाहे पर, लेकिन वो उस पर PWD का रोड बना हुआ है तो वो पुल आधा बना हुआ है 20 वर्ष से और अब वो बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो बहुत बहुत दुर्घटना हो जाती है उस पुल पर भी। बाकी बोलने की क्षमता क्या है, बोलने को सब कुछ है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि ये सारे काम इतने भी मिलते रहें तो बहुत अच्छा होगा, बच्चे भी पढ़ने लिखने में होशियार हैं, हमारा विद्यालय विद्यालय में भी सौंदीकरण हुआ, कमरे वगैरह सब प्लास्टर वगैरह कराए नीचे ऊपर और इंटरलॉकिंग कार्य हुआ और गांव में प्रकाश व्यवस्था के तहत सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगवाई, सब तरीके से सिस्टम में आगे कदम रखा है और चाह रहे हैं, ये आशा करते हैं सरकार से कि हमको बजट थोड़ा और बढ़ाया जाए और आगे अंत्येष्टि स्थल और कब्रिस्तान वगैरह बाउंड्री वाल और बच्चों के पढ़ने के लिए मुख्य साधन जूनियर हाई स्कूल मिल जाता है, बहुत चाहते हैं कि वो ठीक रहे, इससे बच्चे पढ़ेंगे तो देश भी बढ़ेगा और सब कुछ ही बढ़ेगा। हो सकता है बच्चे तो लड़के भी तो चले भी जाते हैं, लड़कियों का दूर आदमी जब जवान लड़की हो जाती है तो बाहर पढ़ने को भेजता भी नहीं है कि चलो हम भेज रहे हैं या ना भेजें, गांव में भी थोड़ा सा पिछड़ा एरिया ज़्यादा है। इसी के साथ साथ हम ये चाह रहे हैं कि हमने जो मांग की है स्कूल में इंटरलॉकिंग कार्य हुआ है
इससे साफ सफाई में बहुत आसानी हुई है और बच्चे चूँकि साफ सफाई आसानी से हो जाती है इसमें। बारिश में इससे पहले कीचड़ हो जाती थी और बच्चे गिरते थे, बहुत परेशानी होती थी, बहुत बड़ी बड़ी घास हो जाती थी, बार बार उसे कटवाना पड़ता था। जब से इंटरलॉकिंग हुई है इससे जो है वो स्कूल के अंदर सफाई सुथराई में काफ़ी मदद मिली है। और इसी तरह से जो शौचालय हैं स्कूल के वो भी सब खराब थे, उनको भी ठीक किया गया है, दोबारा से उनको सही कराया गया है, शीट लगाई गई है उनके अंदर।